हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सर विमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रावरा मेडिकल कॉलेज के बारे में, यानी प्रावरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पिम्स लोनी के नाम से भी इसको काफ़ी जाना जाता है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने पिम्स लोनी महाराष्ट्र का कॉलेज का नाम ज़रूर सुना होगा। और अगर आप सोच रहे हैं इसमें अपना एडमिशन लेना एंड आप एक अच्छा MBBS कॉलेज ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आज हम सारी डिटेल्स के बारे में बातें करने वाले हैं इस कॉलेज की। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर, यहाँ का पेशेंट फ्लो, यहाँ का हॉस्पिटल कैसा है, ढेर सारी बातें होंगी, तो वीडियो पूरी एंड तक देखें। प्रावरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक काफ़ी फेमस एंड काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर इसके कैंपस की बात करूँ तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही लश ग्रीन इन्वायरमेंट वाला इनका कैंपस है। और इनकी अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ 1984 में ये जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल के लिए मतलब इस्टेब्लिश हुआ था। और अगर मैं बात करूँ इनकी लोकेशन की तो लोनी महाराष्ट्र में ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। कनेक्टिविटी काफ़ी ठीक ठाक है इसकी, आपको थोड़ा सा दूर देखने को मिलता है सिटी से, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी, अच्छे खासे रोड्स हैं। इसके अलावा ये एक डीम्ड प्राइवेट कॉलेज है। एंड ये इसके अगर कोर्सेज की बात करूँ कौन कौन से कोर्सेज यहाँ से आप कर सकते हैं, MBBS, MS और MD आप यहाँ से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ MBBS को लेके बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी एफिलिएशन की तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से ये मतलब एफिलिएटेड है और NMC से ये कॉलेज अप्रूव्ड है प्रॉपरली। कुल मिला के हम कह सकते हैं ये जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल के लिए MBBS के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ से करते हैं अपनी MBBS तो काफ़ी आपको मतलब सारी चीज़ें जैसे एजुकेशन से लेके आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी अच्छी खासी होने वाली है। आगे बढ़ते हुए हम इनके हॉस्पिटल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल की तो काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए। यहाँ पे OPD, इमरजेंसी सर्विसेज, 24/7 हेल्पलाइन आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं। और अगर बात करूं पेशेंट फ्लो की तो 1000+ का इनका अप्रोक्सीमेटली पर डे का पेशेंट फ्लो रहता है। वेरिएशन है इसमें 1000 मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता, 1500 भी हो जाता है। और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है और स्टाफ काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो आप ज़रूर एक बार अप्रोच कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट को। एंड आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अब कि कैसे एडमिशन आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी बातें तो बता दी, अब एडमिशन की भी बातें। तो देखो एडमिशन का आपको पता है नीट के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन नीट में अगर आपका स्कोर नहीं आ पा रहा है तो आपका यहाँ पे मतलब एक डायरेक्ट एडमिशन भी आपके लिए एक ऑप्शन बचता है। अब डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, क्या उसकी प्रोसेस है, अगर नीट में कितने कम मार्क्स है कैसे एडमिशन होगा, तो वो सारी प्रोसेस मैं आपको थोड़ा आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं MBBS की पूरे स्ट्रक्चर के बारे में कि इनका MBBS का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फीस है, कितना कोर्स फीस है, तो सारी बातें करते हैं। तो देखो MBBS इनका 4.6+1 ईयर का प्रोग्राम है, एक साल की इंटर्नशिप होती है और फीस आपकी 16,25,000 पर ईयर रहने वाली है। टोटल सीट यहाँ पे आपको 200 मिलेंगी, 200 टोटल सीट है। हॉस्टल की अगर मैं फीस की बात करूँ तो 1,60,500 पर ईयर आपकी फीस रहने वाली है। फुल पैकेज जो आपको होने वाला है वो 82,82,563। एंड अगर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो +2 में PC में 50% से मार्क्स और नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। अब देखो सबसे पहले तो ये बात आ जाती है आपके बजट के ऊपर कि अब अपने बजट को देखें कि 80 लाख 82 लाख के आसपास इसका पूरा कोर्स है। एंड अब दूसरी जो बात आती है वो आती है आपके नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग। अब नीट में आपका क्या स्कोर है, कितनी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है, तो बस उसी से कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी राउंड वन की वो थी 455 और जो मोपअप की कट ऑफ थी इनकी वो थी 507। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये मोपअप राउंड होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज में वो मोपअप में उनकी बढ़ जाती है। एंड अगर आपका इतना स्कोर है नीट में तो अब आप देख सकते हैं। एंड अगर आपका थोड़ा बहुत कम है, आपको एडमिशन लेना है एक अच्छे कॉलेज में, अच्छे MBBS कॉलेज में, तो आप गेट एडमिशन को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। या स्क्रीन पे दे नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि आपका एडमिशन हम इजीली करा सके, बिना परेशानी के करा सके। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें आपका एडमिशन गेट एडमिशन करा के देगा, एक बार जस्ट कॉल करें। अब देखो एट द एंड तो मैं आपको यही कह सकता हूं कि देखो कॉलेज अच्छा है, आप एडमिशन ले सकते हैं, बेफिक्र होकर ले सकते हैं। एंड इनके कुछ स्टूडेंट सपोर्ट की जो भी इनकी डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करता हूं और फैकल्टी इनकी कैसी है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो स्टूडेंट सपोर्ट के नाम पे एंटी रैगिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, काउंसलिंग सर्विसेज और यहाँ पे आपके क्वेरी सर्विसेज सारी अवेलेबल हैं। एंड फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ICU सुपर स्पेशलिटी सेंटर, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, OPD इंडोर सर्विसेज, ये सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हॉस्टल से लेके हॉस्पिटल तक इनका सारा अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। इवन आपको यहाँ पे लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलने वाली है एंड हॉस्टल के रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बस इसी के साथ आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।